गुड आफ्टरनून फ्रेंड, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग हमारे टाइप नंबर हमारा है ये सिक्स टाइप नंबर है, टाइप नंबर सिक्स डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के ऊपर। ओके, सो टाइप नंबर सिक्स में दो न्यूमेरिकल है जिसके ऊपर हमको डिज़ाइन करना होता है और ओवरराइड पुली, मतलब ये क्या है, यहाँ पर इसका पहला जो फिफ्थ टाइप था वहाँ पर एक ही पुली होता था, अभी यहाँ पर दो पुली है, ठीक है, और वो ओवरहैंग भी हो सकता है, मतलब ये पुली ओवरहैंग भी हो सकता है। ओवरहैंग का मतलब क्या होता है, देखिए, एक टाइप का सपोर्ट होता है सिंपली सपोर्ट, एक टाइप का सपोर्ट होता है फिक्स सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट होता है जिसको बोलते हैं ओवरहैंग सपोर्ट। ओवरहैंग ऐसा भी हो सकता है, ओवरहैंग ये भी ओवरहैंग है, ये भी ओवरहैंग है, और ये भी ओवरहैंग ही है, समझ में आ रहा है। सो दीज आर ओवरहैंगिंग सपोर्ट्स। तो ओवरहैंग पुली, पुली ओवरहैंग होगा तो पुली यहाँ पर भी ऐसे दो पुली लगाए जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर एक पुली है, ऐसे हम लोग को दो पुली है तो ऐसे ओवरहैंग के टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा ओवरहैंग पुली का, जो न्यूमेरिकल नंबर टू है टाइप नंबर सिक्स से। तो फिगर एज शोन इन फिगर गिवन है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिगर मैं ये साइड पर ड्रॉ करता हूँ, बड़ा निकलता है। ए बी सी एंड डी ये ड्राइंग गिवन है, ठीक है। अभी इसका देखो, ये ड्राइंग गिवन है, ये एक पुली ए है, पुली ए का जो साइड व्यू है मैं ब्लू मार्कर से दिखाया हूँ। पुली ए का डायमीटर दिया है, मैं यहाँ पर जगह नहीं है, पुली ए का डायमीटर दिया है 400 का, ओके। और पुली यहाँ का जो बी पुली है जो बाहर का है, वो पुली बी का डायमीटर है 600 mm। पुली ए पे दो टेंशन दिखाए हैं जो ब्लू से दिखाया है, T1 T2। पुली बी पे भी दो टेंशन है, T3 T4। ऐसे दो दो टेंशन हमको गिवन है, ओके। ऐसे दो टेंशन हमको यहाँ पर गिवन है। नाउ फिगर इज गिवन, द टू पुलीज ए एंड बी आर माउंटेड हैविंग अ बेल्ट टेंशन। पुली ए का बेल्ट टेंशन टी, मतलब टोटल टेंशन दिया है अभी यहाँ पे, बेल्ट टेंशन दिया है पुली ए का 1800 और पुली बी का बेल्ट टेंशन टोटल, मतलब पुली बी का बाहर का पुली T3 plus T4 है, वो दिया है 800 newton रिस्पेक्टिवली। द शाफ्ट ट्रांसमिट पावर ऑफ 10 kW मीन्स 10 × 10⁻³ W एट 300 RPM। The pulley weighs 200 newton and 400 newton respectively. मतलब पुली ए का वेट ऑफ पुली ए इज 200 newton एंड वेट ऑफ पुली बी इज
400 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। ओके, ऐसे दिया है सब कुछ। टेक वर्किंग स्ट्रेस एज 40 मेगा पास्कल। अभी वर्किंग स्ट्रेस मतलब यहाँ पर शियर स्ट्रेस दिया है, शियर स्ट्रेस ही दिया है 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और टाउ की वैल्यू दी है 40 न्यूटन पर। तो सबसे पहले ये डायग्राम का लाइन डायग्राम बनाते हैं। ये क्वेश्चन टू है, इसका मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और टाइप सेवन जो है, जो सब सेम है, बस आपको KM और KT को ऐड करना होता है। वो मैं आपके PDF के माध्यम के दौरान आपको समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पर सपोर्ट है ना, बियरिंग है जहाँ पर, वहाँ पर क्या है, सपोर्ट। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी है, वहाँ पर रिएक्शन जाएंगी RC और RD। यहाँ पर लोड एक्ट होगा, यहाँ पर लोड एक्ट होगा, जो ये पुली ए और पुली बी का लोड होगा। पुली ए का लोड दिया है 200, बट पुली ए के ऊपर मैंने आपको बताया था सब टेंशन्स मिला के लोड एक्ट होगा। तो T1 प्लस T2, पुली ए के ऊपर टोटल टेंशन कितना है 1800, और वेट ऑफ पुली ए है 200, मतलब 1800 और 200 टोटल लोड पॉइंट ए पर कितना आया, मतलब पुली ए पे कितना आया 2000 न्यूटन। ओके, और पुली बी के ऊपर टोटल टेंशन है 800 और वेट ऑफ पुली है 1400, मतलब यहां पर पुली बी के ऊपर टोटल लोड आया 800 प्लस 400 1200 न्यूटन। और अभी इनको यूज करके मुझे डिजाइन करना है, तो यहां पर मैं लगाऊंगा अंडर रूट ऑफ m² + t² = π/16 × d³ × τmax। ये फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। मुझे टाउ मैक्स पता है, तो मुझे बस m और t की वैल्यू निकालनी है, मतलब मोमेंट एंड टेंशन। तो मोमेंट एंड टॉर्क, टॉर्क निकालने के लिए मुझे क्या दिया है यहाँ पे, पावर का फॉर्मूला यूज करके मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ। पावर इज नथिंग बट व्हाट, 2πNt/60। इसके अलावा कुछ दिया है मुझे यहाँ पे, नथिंग। तो 2πNt/60 पावर का फॉर्मूला 10 × 10³ = 2 × π × N की वैल्यू दी है रिवोल्यूशन पर मिनट 300 × t/60। यहां से मुझे टॉर्क मिल जाएगा, वो आएगा न्यूटन मीटर में। ओके, 10 × 10³ × 60 / 2 × π × 300। तो टॉर्क आता है 318.30 न्यूटन मीटर। इसको हमको न्यूटन mm में कन्वर्ट करने के लिए × 10³ से मल्टीप्लाई करना। तो टॉर्क की वैल्यू मिल गई मुझे 318.30। तो ये मेरा, सब ये करने के बाद स्टेप नंबर वन ये हो गया। स्टेप नंबर टू, आपको कौन सा इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट यूज करना है। स्टेप नंबर थ्री, टॉर्क निकालो। और स्टेप नंबर फोर, अभी मुझे मोमेंट निकालना है। तो ये जो टॉर्क आया है, इसको मैं यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट डाल के लिख देता हूँ, 318.30 × 10³ न्यूटन। अभी मुझे मूवमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, ओवरहैंगिंग सपोर्ट में बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट, फोर्थ स्टेप है हमारा ये, बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट। मतलब कौन से पॉइंट हो गए गाइस, बेंडिंग मूवमेंट एट फ्री एंड विल बी जीरो, सॉरी, बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट ही कुछ वैल्यू रहेगी। बेंडिंग मूवमेंट एट फ्री एंड विल बी जीरो, मतलब बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर फ्री एंड पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको, अगर आपका SFD BMD अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखो। ऐसे प्रकार की बीम आ गई तो फ्री एंड पे सब जीरो हो जाता है। बेंडिंग मूवमेंट एट सी, तो सी के बारे में बात करते हैं, तो सी के आइदर लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस को कंसिडर करो या फिर सी के राइट हैंड साइड के फोर्सेस को कंसिडर करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक फोर्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स को कंसिडर करता हूँ। 2000 को सी तक पहुंचने के लिए 125 mm का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। सो 2000 × 125 आता है
250 into 10 raised to 3 कितना आता है 250 into 10 raised to 3 न्यूटन मिलीमीटर बेंडिंग मोमेंट एट डी तो डी के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालने हैं तो डी के आइदर राइट साइड के फोर्सेस को कंसीडर करो या फिर लेफ्ट के फोर्सेस को कंसीडर करो तो डी के राइट में एक ही फोर्स है तो 1200 को डी तक पहुंचने के लिए ये पॉइंट बी के ऊपर ये जो 1200 आ रहा था ना 1200 को डी तक पहुंचने के लिए 1200 इंटू 200 का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था तो ये आता है 240 इंटू 10 रेस्ट टू 3 दोनों में से बेंडिंग मोमेंट किसकी ज्यादा है तो वो मेरी बेंडिंग मोमेंट m हो जाएगी तो इस फॉर्मूला में जो m यूज करूंगा वो बड़ा वाला रहेगा 250 वाला तो बेंडिंग मोमेंट कितनी आ गई हमारी 250 इंटू 10 टू द पावर 3 अब ये सब चीजें स्टेप नंबर 4 होने के बाद स्टेप नंबर 5 तो ये फिर से फॉर्मूला हमको समझने के बाद अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट के हिसाब से अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एम स्क्वायर ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूं 250 स्क्वायर करके इसका आंसर आता है डायमीटर आता है 227.00 आप डायमीटर ले सकते हो 228 ओके फिर से कुछ गड़बड़ की कैलकुलेशन में ठीक है ये कैलकुलेशन ढंग से करना पड़ेगा इसका आप कर घर पे करो आप बाकी सब सही है 250 इंटू 10 रेस टू 3 स्क्वायर प्लस 318.30 इंटू 10 रेस टू 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर ये तो सही है 404.74 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 16 divided by pi into 40 cube root of answer okay अभी आया right सब सही है ये calculation में मैंने calci use करते के time पे गलती की तो आप मत करना हल्लो हल्लो calculation करना 37.21 से 38 mm और यहाँ पर आपका type number 6 खत्म होता है type number 6 का इसके पहले का जो numerical है first numerical वो इससे काफी आसान है क्योंकि यहाँ पर ओवरहैंग बाहर है बट टाइप नंबर वन बहुत सिंपल है ठीक है तो मतलब क्वेश्चन नंबर वन सिंपल है तो ये रहा आपका आज का टाइप नंबर 6 जो सेवेंथ टाइप है इंक्लूडिंग शॉक एंड फटिक फैक्टर सभी फॉर्मूलाज नजदीक नजदीक सेम है तो अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो पहले चार लेक्चर को अच्छे से देखो शाफ्ट के लिए उन चार लेक्चर्स के लिए अच्छे से पढ़ो वो अगर आपके प्रॉपरली दिमाग में घुस गया कि क्या क्या फॉर्मूला है क्या क्या चीजें हैं तो आपको किसी भी टाइप में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी अभी खास बात शाफ्ट का यूज ये सब चीजों शाफ्ट कीज और कपलिंग शाफ्ट का यूज कीज में भी होता है तो ये फॉर्मूलेज इसके बेसिक फॉर्मूलेज और कुछ हॉलो शाफ्ट के फॉर्मूलेज की में भी यूज होंगे न्यूमेरिकल में शाफ्ट और की का फॉर्मूला का यूज इन दोनों का फॉर्मूला का यूज कपलिंग में भी होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने शाफ्ट ढंग से नहीं किया ठीक है ये तो कॉम्प्लिकेटेड शाफ्ट के न्यूमेरिकल्स हैं बट एटलीस्ट फोर्थ फाइव जो लेक्चर्स मैंने किए हैं कीज और कपलिंग के लिए फोर्थ फाइव लेक्चर्स का नॉलेज रहना जरूरी है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कीज एंड कपलिंग के न्यूमेरिकल
सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैं 10th लेक्चर होगा शाफ्ट के ऊपर, उसके बाद में की छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, थेराटिकल टॉपिक से न्यूमेरिकल थेराटिकल चीज़ें आती है की के ऊपर, कपलिंग मफ कपलिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग एंड बुशपिन टाइप कपलिंग। मफ कपलिंग आसान है, फ्लेक्सिबल कपलिंग एंड बुशपिन टाइप कपलिंग इसको 3 लेक्चर में तीनों चीज़ें मैं खत्म करूँगा, 3-4 लेक्चर में, 4 लेक्चर और लगेंगे सिलेबस को कवर अप करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।